है, बहुत अमेजिंग है। और जो भी आप फाउंडेशन ले रहे हो ना, उससे एक शेड लाइट वाला ये पाउडर लेना है। मैंने वैसे ही किया, अभी ये मेरा 120 शेड मैंने ये फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो अभी ना जस्ट हम बैठे थे तो मैं ये बॉक्स ले ली, ईजान सोया है तो मैंने सोची कि मैं मेकअप का बॉक्स एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि अभी मार्केट जाना है तो जो चीज़ नहीं है मेरे पास मैं वो लेती हूँ। तो समीर का तो शातिर दिमाग है ना, ब्लॉगर का दिमाग है, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि फ़र्क क्यों ना आप अपना जितना है उतना तो एटलीस्ट बता दो लोगों को कि आपके पास क्या क्या है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने सोची हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। अभी जस्ट रील भी शूट हो गए, मैं भी अच्छे से रील्स वगैरह शूट कर दी हूँ, तो मैं सोची चलो मैं बता देती हूँ। तो इसमें से मैं अभी बताती हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं और कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे नहीं भी लगे, मैं वो सब आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज फारा की बैग में क्या क्या है और ये बैग इतनी क्या सी है, लेकिन नहीं इसमें है सब बहुत कुछ है जिसके लिए आज हमें लेना भी है। और रिसेंटली इन्होंने एक, तो पहले है ये पैलेट बताती हूँ मैं आपको। ये स्विस ब्यूटी की पैलेट है, लिपस्टिक की पैलेट है ये, तो और इसका रिव्यू है बहुत बहुत लोग अच्छी। आपको पूछ भी रहे थे कि लिपस्टिक कौन सा यूज करते हैं फारा। लिपस्टिक तो बहुत अलग अलग टाइप के भी यूज करती हूँ, अभी लेकिन जस्ट हम ये वीडियो में फारा के पास जो भी प्रोडक्ट है अवेलेबल है वो वो बता रही हूँ। दिखाएंगे। तो ये लिपस्टिक्स हैं, इसमें इतने कितने हैं, 1 2 3 4 5 मतलब 10 शेड्स आए हैं। तो मैंने सोची थी कि हर एक टाइम पे अलग अलग लिपस्टिक लेने से अच्छा ये पैलेट ही ले लूँ, तो मैंने ये पैलेट ले ली हूँ और बहुत अच्छा है इसका रिव्यू। लेकिन ऐसे देखने में ये मैट है, लेकिन मैट फिनिश नहीं देता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा पाउडर लगा के इसको सेट करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट का गुड अच्छा है, स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, आप लोग ये ले सकते हो। और इसका नंबर है 01। उसके बाद है फिर ये मेरे आईब्रोज के लिए मैंने लिया है आईब्रो ड्रॉइंग, तो ये ऐसा है, इसमें भी 3 कलर्स हैं और साथ ही में ये छोटा सा एक ब्रश है, और ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने ऑनलाइन ही लिया है मीशो से, तो आप लोग भी ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका नाम डालना और ले लेना। ये शेड नंबर 3 लिया है मैंने, ये भी बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, और उसके साथ जो ब्रश दिया है ना वो भी बहुत अच्छा है। अभी भी आप देख सकते हो मेरे जो आईब्रोज है मैंने इसी से फिलिंग की हूँ। इसके बाद है ये हाइलाइटर, ये शील का हाइलाइटर है, ये भी मैंने मीशो से लिया है, और ये सब अफोर्डेबल प्राइस में है। तो इसमें 4 हाइलाइटर्स मिल देंगे, तो ये ब्लश वगैरह के लिए भी यूज़ होगा। और जो ऊपर का है मैं मोस्टली ये वाला ही यूज़ करती हूँ, बाकी सब अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद है ये फिट मी मैट पोरलेस, क्या है ये प्राइमर, लेकिन ये प्राइमर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आप लोग को दिखा दूँ एक बार। ये देखो ऐसे डालने के बाद ये ऐसा लग रहा है, लेकिन है ना बहुत ऐसा पानी पानी हो रहा है, ये देखो थोड़ा भी ये नहीं है। तो ये मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि ये वाला प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी ना ले, ये वाला जो प्राइमर है बिल्कुल भी ना ले। देख सकते हो अब जैसा कि वैसा है पैकिंग, मैंने बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया है बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं आया। फिर रिटर्न क्यों नहीं किया आपने? नहीं किया था मैंने अभी कुछ वजह से, मैंने पहले क्योंकि ना टाइम नहीं मिला होगा नहीं उसके ना टाइम चला, मतलब टाइम अच्छा, है ना जो टाइम पीरियड उसका खत्म हो गया था, खत्म हो गया था रिटर्न करने का। अच्छा। और मेरे पास ऑलरेडी था ना, तो फिर मैं वो यूज कर रही थी, तो फिर मैंने सोची थी मेरा वो खत्म होगा तो मैं ये यूज करूंगी, लेकिन ये यूज करने तक मुझे पता चला कि ये इतना खराब है, देखो कितना खराब है ना, अभी तक भी देखो कैसे पानी के जैसे गीला गीला, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये वाला प्राइमर है उससे अच्छा है ये, मैंने बॉम्बे से लिया था, ये लुक यू ब्यूटी, मतलब इसका कुछ ब्रांड वगैरह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ना जब मैंने ये लगाई थी तो मेरे को इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा था। एक बार मैं बता देती हूँ, ये भी देखो थोड़ा सा लूँगी, मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए जैसे ही ये लगाते हैं ना एकदम ये ओपन पोर्स जो है ना वो पूरे क्लोज करता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसा मैट वाला जो प्राइमर होता है ना वही ले आप, तो ये वाला प्राइमर बहुत अच्छा है मेरा। मैं अभी ये वाला मुझे खत्म हो गया है, तो अभी चलो समीर एक मिल गया अपने को, प्राइमर लेना है ठीक है साइड में रख दो जो जो लेना है आपको। और ये है मेरा फाउंडेशन, 120 शेड का लिया है मैंने, ये फिटमी का फाउंडेशन है, और ये भी बहुत डुप्लीकेट में आता है। तो आप अगर परचेस करना है ना तो आप सिर्फ नायका पे से परचेस करो इसको,
या फिर कोई भी मॉल से ले लेना जहाँ पे मेबलिन का काउंटर हो। ऐसे ही कोई भी शॉप से मत लेना क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेट आता है और वो हमारा फेस का मेकअप जो होता है ना वो पूरा पूरा स्पॉइल हो जाता है। क्योंकि इसके पहले मैंने ये ली हूँ और मैंने ये वो मॉल से नहीं ली थी, ऐसी कॉस्मेटिक की दुकान से ली थी और मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरा पूरे ना यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट रैश ऐसे लाइन्स आते थे। तो मॉल का जब ली ना मैंने, जब ये जो होता है ना मॉल में जो मिलता है ना वो ब्रांडेड होता है, असली में होता है, वो जो होता है ना वो फर्स्ट कॉपी होता है। सो याद रखना ये बात। और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ये भी आप ले सकते हो। बस अभी तक मैंने इसको नहीं बोला है आपको लेने के लिए। फिर उसके बाद ये लूज़ पाउडर है, ये भी मेबलिन फिट मी का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। और जो भी आप फाउंडेशन ले रहे हो ना उससे एक शेड लाइट वाला ये पाउडर लेना है। मैंने वैसे ही किया, अभी ये मेरा 120 शेड मैंने ये फाउंडेशन में ली हूँ, तो ये 115 का शेड मैंने इसमें ली हूँ पाउडर में, ठीक है। तो फिर उसके बाद है ये एक लिपस्टिक है, हुदा की लिपस्टिक है ये, हुदा ब्यूटी की, बहुत ही अच्छी है ये, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और अभी भी मैंने जो अप्लाई की हुई लिपस्टिक वो यही है। तो ये लिपस्टिक भी आप ले सकते हो, अच्छी है। और ये एक फाउंडेशन है, ये मैं कहीं बाहर आने जाने को यूज़ करती हूँ, ये सुपर स्टे है, ये भी मेबलिन का ही है, मेबलिन का जो फिटमी का है ना उसी का ब्रांड का है ये भी, लेकिन इसका जो शेड है ये 128 है, तो शेड थोड़ा डार्क हो जाता है मेरे फेस पे इसके लिए, लेकिन अच्छा है ये भी, बहुत देर तक मतलब फुल कवरेज देता है ये। कहीं बाहर हैवी मेकअप चाहिए ना तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, फुल कवरेज मेकअप देता है ये। फिर उसके बाद है मेरे पास ये लाइनर, ये भी स्विस ब्यूटी का लाइनर है, बहुत ही अच्छा है, इसके जो ब्रश है ना मेन वो बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को। ये भी ख़त्म हो गया, अभी मुझे ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है उसको भी साइड में रख दो। नहीं समीर, मैंने बीच में अभी रिसेंटली एक लाइनर ली हूँ लेकिन उसका जो है ना मुझे ब्रश अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये ब्रश है मेरा, ये ब्रश तो मुझे पता नहीं कौन से ब्रांड का, बॉबी ब्राउन का है, बॉबी ब्राउन। हाँ फिर इसके पहले मैं ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ करती थी, अभी ये तो ख़त्म हो गया। ये कलर एसेंस का CP1 कॉम्पैक्ट था, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये अभी मतलब थोड़ा मुझे इतना खास नहीं लगने लगा था इसके लिए मैंने ये लूज़ पाउडर से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना तो ये कुछ भी नहीं है, ये बेस्ट है। तो ये मुझे इतना पसंद नहीं आया अभी, क्योंकि ये अभी था इसके लिए मैंने यूज़ की, लेकिन इसमें इतना सारा ये नहीं है, मतलब जब हम लगाते हैं ना थोड़ी देर के लिए बस फेस अच्छा दिखता है, बाद में निकल जाता है। वैसे वो पाउडर जो है ना फिटमी का वो बहुत ऑसम है। और एक ये भी फाउंडेशन है, पार्टी क्वीन, ये भी मैंने मुंबई पे ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग से लिया था, ये स्ट्रीट से लिया था, बहुत पहले का है ये, लेकिन इसका जो टेक्स्चर है ना बहुत ज़्यादा स्टिकी और हार्ड है, इसके लिए मुझे ये वाला भी इतना पसंद नहीं आया। तो ऐसे रोड साइड का तो मैं तो बोलूँगी लो ही मत, बस पैसा वेस्ट है अपना। फिर उसके बाद मैंने ये विंटर्स के लिए फेयर एंड लवली ली थी, जो विंटर के लिए स्पेशल होती है। और सनस्क्रीन है ये डर्म डॉग की, मेरे पास ये वाली सनस्क्रीन है। ये मेरा सब प्रोडक्ट ना ऐसे ख़राब क्यों हुआ है पता है कि, क्योंकि मेरा इजान है ना खेलता रहता है, इसको निकाल के फेंकता है फिर भरता है, फेंकता है भरता है, इसके लिए थोड़ा ऐसे दिखता है। और ये है एक लिपस्टिक, ये रेने की है, रेने भी एक बहुत ही अच्छा जाना माना ब्रांड है, और ये जब न्यू आया था ना मैंने तब ली हो ये वाले सब। फिर एक है लिप लाइनर, मैंने ऑल राउंडर ली हूँ, ब्राउन मतलब मरून कलर का ली हूँ, वो कैसे कोई भी शेड पे चल जाता है। और एक हमेशा मैं रखती हूँ एक मिरर अपने मेकअप बॉक्स में, कहीं पे भी गए तो, क्योंकि मोबाइल में उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे, ये भी रहने की है। और मैं ये क्या है, ये तो मेरे शादी में समीर ने मतलब समीर के घर वालों ने मुझे मेकअप का सामान दिए थे ना, उसमें का लाइन मस्कारा है अभी तक रखा है अपने, लेकिन यूज ही नहीं करती हूँ ना मैं मस्कारा। हाँ देखो ये वाला मैंने MNN का लाइनर ली हुआ अभी नया, ये देखो, लेकिन इसका जो ब्रश है ना ये ब्रश नहीं ऐसा स्टिक है, स्टिक ब्रश नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा मोटा है, लेकिन अच्छा है ये भी, बहुत अच्छा है ये भी लाइनर। ये है मेरा न्यू लाइनर। और काजल मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, पता नहीं अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे वाला काजल यूज़ करती हूँ, क्योंकि है ना मैं पहली बात तो ज़्यादा काजल यूज़ नहीं करती, और जो लंबे वाले काजल होते हैं ना वो मेरे आँख में ना पानी आ जाता है, इसके लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। सादा जितना सादा काजल होगा ना उतना मुझे सूट करता है। देखो काजल जैसा क्या वैसा है, मैंने अभी तक कितना यूज़ किया उसको, बस इतना, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ ज़्यादा काजल।
फिर ये प्रो कंसीलर है, ये भी मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, तो मैं इसको भी आपको, इसका भी रिव्यू मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं इसको आपको क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी किसको सूट होता है किसको नहीं होता है, मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। इसके बदले में मैंने करेक्टर लियो, कहाँ पे है ये करेक्टर, नायका का लियो, ये देखो ये कितना अच्छा है, पीच कलर का है, ये पीच शेड है ये, मतलब ये बहुत अच्छा है, आपके डार्क सर्कल्स को पूरा हाइड कर देगा, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स या कोई भी डार्क वगैरह रहेंगे ना, डार्क धब्बे, ये पूरा हाइड कर देगा। इसमें दो कलर है, ऑरेंज और पीच, लेकिन मैंने पीच ली हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ज़्यादा डार्क स्पॉट है, बस मुझे डार्क सर्कल्स है, तो ये भी अच्छा है, आप ले सकते हो। फिर उसके बाद है ये नायका का क्रियॉन, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वन ऑफ माई फेवरेट है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये क्रियॉन। फिर उसके बाद है ये निविया वाइटनिंग स्मूथ, ये अंडर आर्म्स के लिए होता है, इससे परफ्यूम के जैसा मतलब स्मेल आती है, अच्छा है। ये ओलिविया पैनकेक लिया था लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सो मैं इसका रिव्यू यही दूंगी कि ये बिल्कुल भी मत खरीदना। और फिर ये लिपस्टिक है, ये भी शेड है, मैं ज़्यादा करके ब्राउन में शेड प्रेफर करती हूँ, लाइट ब्राउन वगैरह, पिंक शेड में इतने नहीं है, मतलब नहीं लेती हूँ, है वैसे। ये भी एक है, ये तो आप यकीन नहीं करोगे ये कितने की होंगी, बताओ लिपस्टिक कितने की होंगी समीर, ये लिपस्टिक ये 400 to 500 30 रुपीज की है क्या? मैंने मेरे अम्मी के घर से बाजार में लगी थी ना, तो मैंने वहां से ली थी, देखो ना 30 रुपीज में इतनी अच्छी लिपस्टिक है ये, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज लिया, अपना अपने यूज नहीं किया ना? नहीं की ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, नाम नहीं रख सकते ये, कुछ कुछ प्रोडक्ट सस्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और बाकी ये सब लिपस्टिक्स ही है, ये है मस्कारा, हाँ ये भी मैंने न्यू मस्कारा, ये तो लिपस्टिक के शेड्स है गाइस, और ये है मस्कारा, ये भी मैंने न्यू ली हूँ लेकिन मैं लगाती ही नहीं हूँ मस्कारा, अभी लगाऊंगी, ये क्या हो जाता है ना ये सब नीचे चले जाता है तो मुझे मिलता नहीं है जल्दी, और ये काजल भी ली हूँ पर लगाते ही नहीं, मुझे नहीं सूट होता काजल जल्दी कोई भी। फिर और ये लाइनर है, और ये है मेन मेरा विटामिन सी का सीरम, मिनिमलिस्ट का, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छा सीरम है, और इससे ना आपका कलर बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब फेयर हो जाता है, तो ये ना हमेशा लगाना चाहिए, देखो ऐसे पैकेजिंग में आता है, मतलब ऐसे इसका ग्लास का है, इसको बस ऐसे थोड़ा सा ड्रॉप्स लगाना है अपने फेस पे और इसको ऐसे मसाज करना और छोड़ देना है रात भर, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है रात में, नहीं तो आप दिन में भी अगर मेकअप वगैरह नहीं करते हो या मेकअप के पहले भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, टेक्सचर है इसका, मतलब वाटरी है, फटक से अपने स्किन, तो इतना है, बाकी सब चुल्लू पुल्लू चीज़ें हैं, वो क्या दिखाऊँ ना मैं, बो है और कुछ बाल मेक के लिए है, तो चलिए ठीक है, चलो चलो अभी बस हो गया, तो यही है इतना, देखो मेरा मेकअप का सामान है इतना, और ये लिप्स के लिए ली हूँ मैंने 10 रुपीज की, अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट जो भी है वो जो मुझे सूट करते हैं वो है, ऐसा नहीं है कि जो महंगा होगा वही अच्छा है, सस्ते में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सूट होती है, मैटर करता है मेन आपके फेस पे वो सूट होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगा लें लेकिन वो हमारे फेस पे सूट ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे ना, तो इसके लिए तो चलो ठीक है, मेरा इतना मेकअप का है, आप लोगों को पता चल गया अभी मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं जब भी जैसे ही मुझे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए मेकअप का वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, इसके पहले भी की हूँ लेकिन अभी ये नए वाले प्रोडक्ट से करूँगी, पहले मैं प्रोडक्ट जमा करती हूँ मेरे पास, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।